गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज भाई हम घर से हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कल ही आ गए थे हमें शादी वादी से, तो मस्त एन्जॉयमेंट चल रहा है अभी घर पे। एन्जॉयमेंट क्या ही भाई, घर पे होना ही सबसे बड़ी एन्जॉयमेंट है। ठीक है, घर का एक अलग ही कम्फर्ट होता है ना। बंदा अपने घर में कहीं पर भी बैठ सकता है, कहीं पर भी वो कुछ भी कर सकता है, अपनी ज़िंदगी होती है घर की, कोई टोकने वाला नहीं होता है। मैं तो भाई बहुत मिस कर रहा था मेरे घर को। जब भी बाहर होता हूँ कहीं पे भी, घर घर ही होता है भाई। अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं, और नाश्ते में आज कुछ तो आई थिंक हलवा बनाए, और जो रात की रोटियाँ बची थी उसका चूरमा बनाए। चलो नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। ये देखो भाई, ये है हमारा नाश्ता, साथ में हमारी कच्ची कैरी भी है। ठीक है, मज़ा आएगा इसके साथ खाने के लिए। घर पे है ना, रिश्तेदार आए हैं तो इसलिए मैं इधर आके बैठा हूँ। ठीक है, घर पे भी मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ जब नए लोग घर में आ जाते हैं। पता नहीं यार कैसा मेरा ऐसा नेचर बन चुका है यार, मुझे ना मतलब एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। रीवा को हमने उठा के लाया है। रीवा की मम्मी सो गई थी और रीवा खेल रही थी अकेली, तो मम्मी उसको उठा के लेके आ गई इधर। उसको हिचकी लगी है। हमने प्रैंक कर दिया इसके ऊपर। अप्रैल फुल बना है। इसको बोला तुम्हारी बेटी गायब हो गई। भाई 3 दिन की छुट्टी के बाद है ना, ऑफिस में काम करने का मन नहीं करता है, लैपटॉप खोलने का मन नहीं करता है, ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाने का मन नहीं करता है। क्या करूँ मैं, अभी कैसे जाऊँ। और भाई हमारे घर का है ना अभी थोड़ा ही काम बचा है यार, इलेक्ट्रिशियन का काम बचा है और कलर का काम बचा है। पर वो कलर वाले ना भाई इतना झूठ बोलते हैं ना, डेली बोल रहे हैं आ जाऊंगा, हाँ निकल चुके हैं घर से, हाँ निकले बस आ ही रहे, और आते ही नहीं दिन भर हमारा है ना। आ जाओ हाँ आ जाओ, इधर आ गए हम, आओ हमें लेने के लिए, आ जाओ बाइक लेके, हम आए वहाँ पे और गए कुछ नहीं भाई, फुल उल्लू बना रहे हैं। पापा का अप्रैल फुल का लाने हैं। हाँ आज तो पापा का अप्रैल फुल बना रहे हैं, बोले आ जाओ इधर, आ गए हम, अन कहीं तक आ गए। पापा गए देखा तो पापा को समझ गया फिर अपना उल्लू बन चुका है। 2 दिन पायल नहीं थी, मेरी रूम एकदम साफ सुथरी थी, जैसे पायल आ गई सारी भसड़ मचा के रखती पायल रूम में, बहुत ही अस्त व्यस्त काम करके रखती। क्या ही करेंगे अभी, बीवी है, बोल भी नहीं सकते कुछ। बैठ गए भाई जैसे तैसे करके आज काम के लिए, थोड़ी देर में मीटिंग है मेरी। और मेरा है ना 2-3 दिन पहले क्या किस्सा हुआ पता है, मुझे ना अमेज़ॉन है ना अपना अमेज़ॉन ऐप, उसके अंदर गिफ्ट कार्ड मिले थे, मतलब मेरे शादी के गिफ्ट कार्ड थे, उसके बाद कंपनीज में कुछ होते हैं ना इवेंट्स वगैरह उसमें गिफ्ट कार्ड मिले थे मुझे, उसके पैसे मिले थे। तो वो मैंने वैसे मेरे अमेज़ॉन पे के अकाउंट में पड़े रहे, वो मुझे क्या लगा कि जो गिफ्ट कार्ड होता है ना वो हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और तो मैं शादी में गया उस दिन, और मैंने देखा मेरा अमेज़ॉन पे, मैं कभी खोलता ही नहीं अमेज़ॉन, कुछ ऑर्डर करने के लिए खोलता हूँ, तो खोला तो भाई उसमें देखा मैंने मैसेजेस, आपका गिफ्ट कार्ड एक्सपायर हो गया। मेरे लगभग है ना भाई 9 से 10 हज़ार रुपये एक्सपायर हो गए। इतना दुख हुआ ना भाई मुझे उस दिन, इतना दुख हुआ, ऐसा लगा यार काश मैं कुछ घटिया सी चीज़ खरीद लेता उन पैसों से। गए वो मेरे पैसे यार, 10 हज़ार चले गए मेरे, उस वो गिफ्ट मिले थे मुझे, मैंने यूज़ ही नहीं किया उनको, वैसे अकाउंट में पड़े रहे। मुझे मैं क्या सोचता था कि इनको कभी यूज़ कर लूँगा जब कुछ ऑर्डर करना होगा, पर मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, तो अब मुझे वो बात पता चल गई। अभी मेरे गिफ्ट कार्ड में और 5-6 हज़ार रुपये पड़े, तो मैं पहला उसका कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। इतना दुख होता है ना भाई बेवजह जब पैसा चला जाए। अरे कुछ लेना ही है तो मैंने एक फैन ऑर्डर किया है। क्या? मैंने एक फैन ऑर्डर किया था, उसको कैंसिल कर देता हूँ तुम्हारी इससे ऑर्डर पर। कितने रुपए का है?
हाँ ठीक है दे दे। तो एक फैन ऑर्डर कर देते इसको। नहीं ना फैन और क्या ऑर्डर करना है? फैन ही था ना बस। फैन ही ना विसर ले आसन मंगाओ ते तो पाए अप्रैल फुल बना रहे हो, वो भी ठीक से नहीं बना पा रहे यार। क्या तुम पाए भूल जाते हो। अप्रैल फुल बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। नितिन की वाइफ है ना, उसको अप्रैल फुल बना रहे हैं। मम्मी ने सारा फोन करो। खाना खाने का टाइम हो चुका है दोपहर का। सुबह है ना हमारा नाश्ता थोड़ा कम हो गया था, तो अभी भूख लगी है। और अच्छी बात यह है कि पायल भी खाना खाने लगी है। इतने दिन के हवा पीते थे। नहीं, इतना खाना नहीं खाती थी ना, दोपहर को सोती रहती थी। इट्स अ गुड नहीं थिंग। वही खाना खाते थे दिन में, हम नहीं खाते थे। तो आज तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो इसलिए मुझे खाना खाना यार कभी जाओ नहीं मैं दोपहर। ठीक है स्टार्ट, लेट्स प्ले द गेम। पर मेरे हाथ में तो कैमरा है, पहले मैं ट्राई करता हूँ। बट ठीक है तू कर पहले। ये देखो हमें ना जो मुंह में अंगूर फेंकेगा वो जीत गया। अबे यार 3 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट फेल। नीचे पड़े हुए ये खाने पड़ेंगे। ओए इट वॉज सो क्लोज पायल, व्हाट डू यू थिंक कौन जीतेगा? यू डोंट हैव एनी क्लू भाई। मुंह में मत मार। अबे होठ को छू के वापस आ गई वो नीचे वाले। तुम्हें पता है पायल, जो गांव में पले बड़े बच्चे होते हैं ना, और जो ऐसी एक स्टडी पाई हुई है कि जो छोटे बच्चे हैं ना अपने पेट डॉग्स के साथ खेलते हैं, जो मिट्टी में खेलते हैं ना बच्चे, वो ज़्यादा जिनकी उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती। क्योंकि क्या होता है वो है ना, जो कुत्तों को लगी हुई डस्ट वगैरह होती या फिर मिट्टी की जो डस्ट होती है उनके अंदर जाने से उनके इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ऐसे मैं नीचे पड़े हुए खा रहा हूँ, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की। भी गलत गलत टैक्स मत दे लोगों को, गंदी आदत ही मत बता था बता। नीचे पड़ा हुआ मत खाए करो भाई। मैं तो खाता हूँ भाई, मुझे अच्छा लगता है। तो गिरा हुआ आज भी मैं गिरा हुआ खाना खा लेता हूँ। गिरा हुआ आदमी हूँ। फिर से ट्राई करने एक बार। मैं पायल डू यू वॉन्ट टू ट्राई इट? आकर आ आ। शी रिस्पेक्ट्स फूड। हम थोड़ी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं राइट? नीचे पड़ा हुआ खा लिया, इससे क्या ज्यादा रिस्पेक्ट करूं फूड की? पता नहीं क्या हो जाता है उसको, बात बात पे एंग्री होती रहती। क्या हो गया तुझे? नथिंग। चलो जाने दो, अभी क्या ही बोलेंगे। मम्मी जल्दी शरबत बनाओ। भाई इस घर में ना इज्जत ही नहीं रही हमारी कुछ। मैंने इसको 2 घंटे से बोल रहा हूँ शरबत बनाओ शरबत बनाओ, मेरे लिए खुद खा रही है, मेरी एक बात नहीं मान रही है। हाँ मम्मी को बोला, मम्मी भी मान सांगितलं होतं द्राक्ष द्राक्ष खाणं महत्त्वाचं आहे। I don't like द्राक्ष, कर ना पायल सरबत। ओ भाई शरबत टाइम दोस्तों। क्या मजा। ए मीठ टाकलं, मीठ नाही काय होतं, काय करू यार इस बीवी का। वाह 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 वाह। 4 बजे आजकल हम चाय नहीं पीते, हम लोग शरबत पीते। नहीं बस ये जाना ऊपर और दो दो और दो भाई। पाव दे तुझे गार कस लगा तो। नहीं नहीं मत पी। अरे दे। बात तो कोई शहानी लिख दू के कहानी लिख दू मैं। चाय हम एक ही कप पी सकते हैं, पर शरबत हम 2-3 कप भी पी सकते हैं। अपने गिलास पर। जस्ट मम्मी हाँ। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ।
मम्मी ने आज सबको अप्रैल फुल बनाया, मम्मी ने ना उसकी बहन को अप्रैल फुल बनाया आज, ठीक है। और सुनील ने भी अप्रैल फुल बनाने में मदद की। सब शामिल थे उस प्लान में, मौसी अगर देख रही है, मैं छोड़ गया, मैं नहीं था शामिल। सुनील ने उसके वाइफ को भी अप्रैल फुल बनाया। आजकल की लड़कियां इतनी चालाक है, सबको स्टील के गिलास में शरबत दिया, सबको नहीं दिया और खुद आपको दिया। रेवा से हाय, रेवा से लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो रेवा बोल रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस। रेवा ये चड्डी पहन के आई थी और इसको गीला कर दिया, नई चड्डी पहन ली उसने और मेरे गोदी में आज उसने चड्डी गीली कर दी। स्माइल करते रहते दिन भर। आज वैष्णवी की मम्मी पापा घर नहीं है तो इसके वजह से हमने उसको एंटरटेनमेंट देने की कोशिश की है आज। अच्छी रेवा से हाय। रेवा इज आवर बेस्ट टाइम पास, दिन भर हम टाइम पास करते रहते इधर, रेवा को लेके आते हैं। हाय रेवा। मेरे पापा तो भाई दिन भर मेरे ब्लॉग्स देखते रहते हैं। इतना भी ब्लॉगर्स के पीछे ये नहीं होना चाहिए पता है। रेवा हाय। फाइल के भाई के घर से हमने ना चिकू लाए, तो मैं रहा देख रहा हूँ चिकू कब पकेंगे भाई और कब खाएंगे उनको मिक्स फ्रूट जूस बना के। काफी टेस्टी होते हैं चिकू, थोड़े कैलोरीज हाई होते हैं, शुगर भी हाई होता है, पर मुझे पसंद है चिकू, मेरा फेवरेट फ्रूट है, वन ऑफ द फेवरेट। तो चलो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के साथ। मुझे भी पता नहीं होता है भाई मेरे ब्लॉग में कल क्या होने वाला है, और कुछ चीज़ें मैं बताता भी नहीं हूँ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं पहले रिवील कर दूँ चीज़ों, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं हमारी फैमिली के लिए भी, क्योंकि प्राइवेसी भी होता है, सब कुछ चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं बताता नहीं हूँ जल्दी। तो देखते क्या कुछ होता है नए, तो मिलते अगले ब्लॉग में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।